हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिगो के ऊपर। तो इंडिगो के चार्ट में भी वीकली चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे जो कि हम लोगों का ट्रेडिंग प्लान होने वाला है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, इन लेवल्स पर हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक देखिएगा। चलिए, अब जो है वीकली चार्ट इंडिगो का आपके सामने खुला हुआ है। इंडिगो के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक बार ब्रेकआउट जो है इस लेवल पर आया। ब्रेकआउट होने के बाद आपको यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बना, फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम हुआ और कहीं ना कहीं फिर इसी रेंज में आपको स्टॉक जो है एक वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा था। अब फिर से जो है ये अपने रिसेंट के स्विंग हाई को ब्रेक करके क्लोज दिया है। वीकली चार्ट में ये ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से जो है स्टॉक काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है और वीकली चार्ट का ब्रेकआउट है, तो आपको आने वाले कुछ महीनों तक जो है इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम रह सकता है। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। सेम चीज़ अगर हम लोग डेली चार्ट में चलते हैं तो डेली चार्ट में भी आपको दिख रहा है जो यहाँ पे आपको इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था स्टॉक। 1900 टू 2250 के रेंज में जो है स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा था और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद लास्ट के ऑलमोस्ट 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया है। और अगर आप डेली चार्ट में इस ब्रेकआउट को देखेंगे तो ये आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। ये रहा आपको इसका पोल और ये रहा इसका फ्लैग, और काफ़ी अच्छा जो है ये आपको क्लासिक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो इसलिए जो है इस स्टॉक में अब आपको एक अच्छी तेजी दिख सकती है। नॉर्मली आपको कभी भी अगर फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो आपको जो है टारगेट उसके पोल लेंथ के इक्वल रहता है। तो पोल लेंथ अगर आप यहां पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का पोल लेंथ है। तो अगर आप 2200 से 350 पॉइंट का यहां से टारगेट लेते हैं तो फिर भी आपको 2550 का टारगेट मिलता है, जो कि आपको एक अच्छा टारगेट है। अभी भी अपसाइड जो है 250 टू 300 पॉइंट इस स्टॉक में रिमेनिंग है। तो इसलिए जो है ये स्टॉक एक अच्छे लेवल पे है, इसको हम लोग ट्रेड करने के लिए देखेंगे। ट्रेड कैसे करेंगे, हम लोग इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है ये आपको ऑलरेडी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी आपको यहाँ पे हो चुका है। एक मैं रिट्रेसमेंट का यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2250 2260 के लेवल पे जो है एक आपको रिट्रेसमेंट आना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो लास्ट डे का यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं है। लास्ट लेग जो ये है, ये इसका लेग का आपको अभी रिट्रेसमेंट नहीं आया है, तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग है। रिट्रेसमेंट अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में आता है 2250 2260 के लेवल पे आपको एक अच्छा मौका मिलेगा, यहाँ पे जो है हम लोग एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा जब ये ट्रेड आपको एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे एग्जैक्ट स्टॉप लॉस मैं नहीं दे रहा हूँ। बस आपको लेवल्स पता होना चाहिए जो इस लेवल के अराउंड जो है आपको एंट्री करना है। एग्जैक्ट स्टॉप लॉस जो है वो जब ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए बस जो है आप यहाँ पे लॉजिक देख लीजिए। जो इस लेग, ये जो आपको लास्ट लेग है यहाँ पे ब्रेकआउट आया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, जब आप देखेंगे तो इस रेंज में स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था और ये स्टॉक जो है जनरली भी आपको एक वॉलेटाइल स्टॉक है, तो यहाँ पे जो है आपको क्विक मोमेंटम होता है और एक अच्छा प्रॉफिट जो है बहुत जल्दी आपको मिलता है अगर आप सही जगह पे एंट्री लेते हैं। तो इसलिए जो हम लोग वेट करेंगे परफेक्ट एंट्री का, यहाँ पे जो है 2250 2260 के आसपास जो है एक आपको एक अच्छा एंट्री मिलेगा। टारगेट जो है आपका 2500 के लेवल तक जो है इजीली आपको टारगेट यहाँ पे 1 वीक के अंदर मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आप लोग जो है वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं और एक बार अगर लेवल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अगर लेवल्स यहाँ पे आते हैं आप इस स्टॉक में अपना पोजीशन जरूर बना सकते हैं। तो इसलिए जो है इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख के मॉनिटर कीजिए और लेवल्स आते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा।